आज हम बनाएंगे बेसन गट्टे की सब्जी, जो बहुत ही नरम बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो चलिए बेसन गट्टा की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन। बेसन में 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे और अब डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी। इससे गट्टा बहुत ही नरम बनेगा। उसी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे और दही के साथ ही हम इस बेसन की डो को रेडी कर लेंगे। इसलिए हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए 2 चम्मच दही में ही ये बेसन का डो रेडी हो जाएगा। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे गट्टा बनाना शुरू करेंगे। और इस तरह से हम लंबा लंबा पतला पतला गट्टा बनाकर रख लेंगे। तो हमने 4 गट्टा बनाकर तैयार कर लिए। अब बॉयल पानी में इस गट्टे को हम डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। जब ये बॉयल हो जाता है तो खुद ही ऊपर आ जाता है। इससे आपको समझ लेना है कि गट्टा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस गट्टे को छान लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इस तरह से हमें काटना है और इसको अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। इससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तेल बहुत कम लगता है फ्राई करने में। अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग के बाद 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 तेज पत्ता डाल देंगे, 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसे आप कूट कर भी डाल सकते हैं। एक प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे। तो अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डालने से प्याज जल्दी से गल जाता है। कुछ प्याज में नमक डाल दिए और प्याज हमारा गल भी गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए ये भून गया है, इसलिए इससे तेल अलग हो रहा है। ये सब आप मीडियम फ्लेम पर करें, नहीं तो सूखा मसाला जल जाता है। अब हम 1 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से तेल रिलीज होने लगा है, यानी कि मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप इस तरह से बनाते हैं इसको। अब हम इसमें वही गट्टे का पानी डाल देंगे जो हम गट्टा उबालने में यूज किए थे। उस पानी को फेंकेंगे, उसे इसी रस में डाल दें तो ये रस बहुत ही गाढ़ा बन जाता है। अब हम इस गट्टे को डाल देंगे इसमें और इसको हम 2-3 मिनट तक बॉयल आने तक पकने देंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है और बहुत ही अच्छा सब्जी बना है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सब्जी बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी बहुत ही सुंदर सब्जी बनती है। इस तरह से आप बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा और गट्टा तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब हम इस सब्जी को सर्व कर देंगे। इसको आप रोटी पराठे या चावल के साथ खाएँ, बहुत ही टेस्टी लगेगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।